विवादों से हमेशा घिरे रहने वाले राजकुंद्रा इस वक्त भाईखला जेल की चार दीवारों से घिरे हुए हैं, जहां पूछताछ का सिलसिला बरकरार आ रहे हैं। उनके दोनों पीए गहना वशिष्ठ पुनीत कौर और पूनम पांडे से लेकर शर्लिन चोपड़ा का बयान देना उन्हें पूरी तरह से मुसीबतों में घेर चुका है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे इस कास्ट रिपोर्ट में एक बार फिर से राजकुंद्रा ने एक बार स्टेटमेंट दिया था। ऑब्वियसली नो प्रोड्यूसर वुड ओवर पे टू गेट अ बैड नन एक्टर व्हेन ही कैन साइन अ सुपर स्टार फॉर चीपर, राजकुंद्रा ने फिल्म एक्टिंग को लेकर कहा था। उन्होंने खान का नाम भी लिया उन्होंने और कहा कि रेफरेंस था, ये सच है। नंबर वन एक्टर जो देश के हैं उनके बारे में सलमान खान की भी अगर बात की जाए तो राजकुंद्रा ने इनडायरेक्टली नाम लेकर कहा। उन्होंने कहा अगर टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की अर्निंग की बात की जाए और टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स की बात की जाए तो उनमें से देखा जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर कंपेयर करें टॉप 10 एक्टर्स के साथ अर्निंग की तो आप समझ सकते हैं क्या सच है। वही कहेंगे लोग, और ये सच है कि फेमस होने से ज़्यादा पैसा है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, फेमस नहीं है लेकिन पैसे उनके पास ज़्यादा हैं। इशारा उनका सलमान की तरफ भी था, क्योंकि टॉप 10 इंडस्ट्री के एक्टर्स में सलमान खान का नाम अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के बीच है। कहीं ना कहीं सिर्फ सलमान ही नहीं, अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर राजकुंद्रा ने लिया था कि टॉप 10 एक्टर्स में अमिताभ, सलमान और अक्षय तो हमेशा टॉप पे रहते हैं, लेकिन आमिर खान का भी नाम इसमें रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कमाई करते हैं। इसके बावजूद राज ने उन सभी में कहा कि टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे ज़्यादा कमाते हैं। तो सलमान ही नहीं, अमिताभ को भी उन्होंने निशाने पर लिया था। लाइमलाइट में आए थे वो शिल्पा शेट्टी से शादी के बाद। उन्होंने टॉप 200 रिचेस्ट ब्रिटिश एशियन के बीच अपना रैंक बनाया था साल 2004 में। सक्सेस बिजनेस में 198 नंबर पर उनका नाम था। राजकुंद्रा सीईओ जोशिनसेल जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के हैं और दुबई बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में भी वो काम करते हैं। इन सब के जरिए उन्होंने इन बड़े एक्टर्स से ज़्यादा कमाई की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।